क्या बात है, तुम रो क्यों रही हो? किसी ने कुछ कहा है? वैसे मम्मी अब्बू की याद आ रही थी। नहीं, मम्मी अब्बू की याद तभी रुलाती है जब लोगों के रवैये से दुख पहुंचता है। बताओ मुझे हसन भाई, मैं बेसहारा जरूर हूं लेकिन बेशर्म नहीं हूं। क्या ये गाली तुम्हें किसने दी? मैं उसकी जुबान खींच लूंगा, बताओ। रहने दे, जिद नहीं करे, वैसे भी आपको देर हो रही है, ऑफिस जाओ। देखो तुम मेरी छोटी बहन हो और बहनें भाइयों से दुख नहीं छुपाती हैं। तो फिर मुझे हॉस्टल जाने देना। अरे मेरे होते हुए तुम हॉस्टल में रहोगी, मेरे लिए मर जाने का मुकाम होगा। समाई प्लीज प्लीज। इसे क्या हुआ है? कहाँ घूम रहती हो तुम? तुम्हारी छोटी बहन के साथ क्या रवैया यहाँ पे लोगों का? क्या हो रहा है इसके साथ? तुम्हें इसकी खबर ही नहीं? मेरा तो नहीं ख्याल कि इस घर में किसी का भी रवैया आयमा के साथ खराब है। बस आइंदा मैं आयमा की आंखों में आंसू न देखूं, समझी तुम? आयमा, अगर तुम्हें किसी से कोई तकलीफ थी तो तुम्हें मुझे कहना चाहिए था, ना कि आसिम को। मैंने आसिम भाई से कुछ भी नहीं कहा। वैसे भी मुझे शिकायत करने की आदत नहीं है। शिकायत? तो किससे है तुम्हें शिकायत? मुझे किससे शिकायत हो सकती है? अच्छा खैर, अब बिना नाश्ते के कॉलेज मत चली जाना। अम्मी अबू नीचे आ गए होंगे, नाश्ता लगा रही हूँ। हाँ, और आइंदा अगर कोई बात भी करनी है तो मुझसे करना और किसी से नहीं, समझी तुम? समझ गई। अम्मी, अम्मी आप यहाँ पर अकेली बैठी हैं, आपकी तबीयत तो ठीक है? हाँ ठीक हूँ, तुम बताओ। मैं तो बस पूछने आई थी, खाने में क्या बनाऊँ? डॉक्टर ने आराम करने को कहा है ना, तो आराम करो। इन झंझटों में क्यों डालती हो अपने आप को? अम्मी ये तो मेरी जिम्मेदारी है। अच्छा यहाँ बैठो मेरे पास, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। बेटा तुम्हारे पापा के दिल में किसी ने ये वहम डाल दिया कि हम सब उनके दुश्मन हैं। वो सिर्फ आयमा पे भरोसा कर रहे हैं, ये तो तुम्हारे सामने की बात है ना? जी आयमा। देखो अभी अली की तालीम मुकम्मल होने में टाइम लगेगा। आयमा कम उम्र से ही, लेकिन इस तरह उसको पिछा के रखना कुछ अच्छी बात नहीं है। तो मैं सोच रही थी क्यों ना कोई अच्छा सा रिश्ता देख के उसकी हम शादी करवा दें। अम्मी आपके दिल में ये बात जमीला आंटी ने डाली है ना कि आयमा का यहाँ रहना मुनासिब नहीं? जमीला आपा की तो खैर बात ही मत करो, उनको तो बेपर की कहने में बहुत महारत है, किसी को भी नहीं बख्शती। लेकिन ये बात मैंने खुद सोची। तो अम्मी आप आयमा से बात कर लें, अली से भी मशवरा कर लें। तुम करो उससे बात, तुम्हारी बहन है। अम्मी मैं आयमा से बात नहीं कर सकती,
वो मुझे अपना दुश्मन समझने लगी है। इसमें वाला दुश्मन समझने वाली कौन सी बात है? अम्मी आयमा को पता है कि इस फैसले के पीछे आपका कौन सा खौफ छुपा है। रायमा खैर अम्मी जाने दें इस बात। आप ये बताइए मैं खाने में क्या बनाऊं? तुम्हें भी ये लगता है कि इस फैसले के पीछे मेरा कोई शक खुशी है? अम्मी शक तो आपके दिल में जमीला आंटी डाल ही चुकी है, पर ये शक मेरे माँ बाप की तरबियत पे गाली है। सकावत, आपकी जुदाई ने मार डाला है हमें। इसका मतलब है पढ़ाई में दिल नहीं लगा रहा। जो सफा भी खोलता हूँ उसमें तुम्हारी तस्वीर नजर आती है, अल्फाज धुंधलाने लगते हैं, दिलो दिमाग तुम्हारी तस्वीर से जगमगाने लगता है। और एक काम करें, अपना लिबास तार तार करें, सर में फाक डालें और सहरा में निकल पड़े आप। अली मैं थोड़ी देर में कॉल बैक करती हूँ। हेलो हेलो आयमा, तुम अली से बात क्यों कर रही थी? अली से क्यों बात? आप लोगों ने तो कहा था कि अली कॉल किया करे तो बात कर लिया करो, और मैंने कॉल नहीं की थी, अली ने कॉल की थी। आयमा फिलहाल तुम्हारा अली से कोई ताल्लुक नहीं है। आप लोगों ने तो ताल्लुक जोड़ा है मेरा। आयमा ये बात पक्की होना, मंगनी, ये सब बनावट है। बात क्या है, साफ साफ बोलें आप। आयमा वो अम्मी, मेरा मतलब है अम्मी बुरा मना सकती हैं इस बात का। मुझे तो लगता है अब यहाँ पे सबको हर बात में बुरी लगती है, तुम ऐसा ही समझ लो। तुम्हारा इस घर से फिलहाल कोई ताल्लुक नहीं। क्या क्या ये मेरी बहन का घर नहीं? ये सिर्फ मेरा ससुराल है। शकीला, अरे भाई देखो आयमा ने कितने मजेदार कबाब बनाए, तुम भी खाओ जा। तुम इसकी रेसिपी सीख लो इससे। मैं आपके लिए अभी बना कर लाती हूँ गरम गरम। अरे नहीं मैं लेकर आती हूँ। आओ आओ बैठो भाई। जी बहुत अच्छे कबाब बने। शकीला बेटियां भी अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत होती है। आयमा तुम में इज्जत नफ्स नाम की कोई चीज बाकी है या तुम उसे मार बैठी? आप जानती हैं मैंने अपनी इज्जत नफ्स को कभी कत्ल नहीं किया। जान के नहीं कह रही लेकिन अनजाने में तो बन रही हो। किया क्या है मैंने? तुम्हारे आसपास दूसरे क्या कर रहे हैं ये क्यों नहीं समझ पा रही हो तुम? मैं बहुत दिनों से महसूस कर रही हूँ, दिन ब दिन आपका रवैया बदलता जा रहा है मुझसे। बहुत बदल गई हैं आप। तो तुम खुद क्यों नहीं बदल जाती? करूं क्या मैं? आयमा फयाज को और कबाब चाहिए, ले जाकर दो। अम्मी मैं लेकर जाती हूँ। नहीं आयमा तुम लेके जाओ। जी
उसे बदलने की कोशिश मत करो, जैसी है वैसा रहने दो। क्या आप नहीं चाहते हैं ऐसा? मैं तो अचानक इतना मुश्किल सवाल कर डाला मुझसे रायमा। अम्मी अब आप इस बात का जवाब दें प्लीज। कभी कभी, लेकिन मैं जानती हूं कि मैं गलती पर। शक के बाद ही हमेशा यकीन आता है अम्मी आपको। मैं आयमा के लिए बहुत परेशान हूं। मैं नहीं चाहती कि इन सब बातों की वजह से कल को वो अपनी नजरों में इतना गिर जाए कि खुद से नजरें भी ना मिला सके। इसी बात से तो डरती हूं मैं, कहीं आयमा की वजह से मैं फयाज की नजरों में गिर ना जाऊं। मेरे अंदर का चोर ना पकड़ ले फयाज। अम्मी न जाने क्यों मैं इतनी कमजोर हो गई हूं। तो ठीक है अम्मी, मैं आयमा की शादी कहीं और कर देती हूँ ताकि आपका आपका भरम भी कायम रहे और आयमा भी शर्मिंदा ना हो। मैं आयमा को मना लूंगी। फयाज ऐसा नहीं करेंगे, वो बहुत प्यार करते हैं आयमा से। ये समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। मैं आपकी कैफियत समझती हूँ, लेकिन अम्मी एक सवाल मुझे बहुत परेशान करता है। आपने पापा के साथ इतनी उम्र गुजारी और फिर भी आपको पापा के किरदार पर शक है, आखिर क्यों? रायमा, मुझे उम्मीद है कि आप मुझे मेरे सवाल का जवाब जरूर दें। अगर आपके पास उसका जवाब हुआ तो ये क्या कह गई? मैं क्या जवाब दूंगी? आयमा, आयमा यार, तुम रो रही थी। नहीं, वो बस अब्बू की याद है। पापा तुम्हें बेटी समझते हैं और मेरी भी तुम बेटी जैसी हो। जी। जो शिकवा तुम्हें पापा से है तुम मुझसे शिकायत कर सकती हो। बोलो। अब्बू वाला घर खाली है, मैं उधर जाना चाहती हूँ, प्लीज मुझे छोड़ाएं। क्या तुम वहां तन्हा रहोगी? तन्हा तो मैं यहाँ पर थी। समझ गया, जरूर रायमा ने कुछ कहा होगा, वरना उसके होते हुए तुम्हें तन्हाई का एहसास नहीं होना चाहिए था। आप बस मुझे वहां छोड़ो, उस घर की चाबी भी है मेरे पास। पराई? वो कैसे? वो हमारी अपनी बेटी है और माँ बाप के लिए बेटियां पोसते हो। अच्छा रायमा, बताओ तो सही, हुआ क्या है? भाई, आप लोगों ने ही मुझे मंसूब किया था इनके साथ, तो फिर आयमा बेटा तुम कहीं नहीं जाओगे, तुम यहीं रहोगे अपने माँ बाप के पास। आंटी, बेटा रायमा की किसी बात का तुम बुरा मत मानो, आजकल बीमार है, झुंझलाती रहती है। और हाँ, तुम्हारे अंकल और मैं तुम्हें हरगिज कहीं नहीं जाने देंगे। बेटा एक काम करो, तुम जाओ और अपने अंकल के लिए कोई अच्छी सी स्वीट डिश बना के उन्हें। और रायमा, ये कभी मत भूलना कि तुम्हारा भाई अभी जिंदा है। जी।
हमीम, इस घर में आयमा के साथ क्या हो रहा है? ये क्या आंख में छोली खेली जा रही है? कुछ नहीं बेटा, हमारे घर का रास्ता देख लिया था फिजाओं ने, अब बाहर आएंगे इंशाल्लाह। बैठिए। कैसी हो बेटा तुम? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कमाल, ये बच्ची कौन है? अरे ये वो आसिम भैया की छोटी साली, बहुत प्यारी बेटी। जी और ये है मेरा बेटा फैसल और ये है मेरी बेटी। हाय। मैं इत्तला देकर आती हूँ आंटी को। अरे सुनो तो, पढ़ रही हो अभी तुम? जी पढ़ती। अरे भाई ये बहुत अच्छा खाना बनाती। अच्छा, हमें कैसे पता चलेगा जब तक खिलाएगी नहीं? मैं इत्तला देकर। ठीक है। कमाल, कितनी प्यारी बच्ची थी ना? जी। क्या? नहीं मैं बस ऐसे ही कह रहा था। बस इतनी सी कहानी है मेरी जिंदगानी है।